तो किसान भाई, आज हम बात करेंगे कि किन्नों के संतरे के बगीचे में कई बार ऐसा देखा जाता है कि किन्नों का जो साइज है, फलों का साइज है, वो बढ़ता नहीं है। उसके कारण कई हो सकते हैं कि आपने खाद की मात्रा, जो लेजर डोजेस है, जो सिफारिश की गई मात्रा, उसके अनुरूप दिया भी हो, तो कई कारणों से वो पौधा जो है वो उतने अन्न तक ले नहीं सकता मिट्टी से। और समय समय पर उसको फिर पत्तियों के जरिए अगर हम उसको देने की कोशिश करेंगे तो यकीनन उसका जो प्रभाव है वो हमारे फलों के साइज बढ़ने में निश्चित रूप से बढ़ता है, अच्छा होता है। तो उसमें कौन से अन्न तत्व है जो देना है उसमें पत्तियों के जरिए? तो उसमें जैसे एक तो हम कहते हैं कि फ्रूट ड्रॉप को कम करने के लिए या फलों का आकार बढ़ाने के लिए हम कई बार बोलते हैं कि जिबरेलिक एसिड और 2,4-D उसको देना है। तो जिबरेलिक एसिड और 2,4-D जो, जैसे ये मार्च महीना है, फरवरी का अंत होता है या मार्च का पहला दूसरा हफ्ता होता है अप्रैल तक, तो जिबरेलिक एसिड और 2,4-D, इसके साथ में आप जो यूरिया है और पोटेशियम नाइट्रेट है, यूरिया और पोटेशियम नाइट्रेट भी इनके साथ मिलाकर आप दे देंगे तो वो मदद करता है। और ये जो अप्रैल महीना है, उसमें अप्रैल महीने के पहले हफ्ते में आप जिंक सल्फेट या जिंक यूडीटीए भी उसको 0.5-0.5% इस मात्रा से आप दे सकते हैं। जैसे 5 ग्राम 10 लीटर पानी उसको दे सकते हैं, तो वो भी आपको उसमें मदद करता है। दूसरी बात जो है कि अगर फ्रूट सेट कम होता है तो बोरिक एसिड, जो इस वीडियो में बताया था कि बोरिक एसिड का भी आप इस्तेमाल 1 ग्राम 100 लीटर पानी के हिसाब से कर सकते हैं। इसको आप जिबरेलिक एसिड के साथ भी मिला सकते हैं। ये रही बात अप्रैल महीने तक। उसके बाद में अप्रैल में ये होने के बाद में आपको जून के अंत में बारिश शुरू होने के पहले या एक हाथ बारिश होने के बाद वहाँ से शुरू करना है। हर 3 हफ्ते में आपको ये जो, जैसे यूरिया हुआ, पोटेशियम नाइट्रेट हुआ, जो दूसरे 19-19-19 मिक्सचर हुआ, या 0-52-34 हुआ, ये जो मिक्सचर है, या 12-61-0, इनके जो फवारे हैं, इनके छिड़काव हर 3 हफ्ते के अंतराल पर इसको करने हैं। उसके साथ आप एक बार जिबरेलिक एसिड मिला सकते हैं, एक बार 2,4-D मिला सकते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन में करेंगे तो उसका असर जो है बढ़ने वाले फलों पर अच्छा होता है।